ताज़ातरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं सब मौजूद हूँ सराबगढ़ में, विषय मंडी में, जहाँ पे मंडी का इफ्तिताह जो है वो कल हो चुका है 22 जून को। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ शहरों से यहाँ पे जो है जानवरों की कुर्बानी के लिए जानवर हैं उनकी आमद का सिलसिला जा रही है। व्यापारी अपने जानवर यहाँ पे उतार रहे हैं। अभी चूँकि 2 ही दिन हुए हैं तो इतनी तादाद में यहाँ पे मवेशी नहीं पहुँचे हैं, बट ये जो ब्लॉक है जिस ब्लॉक में मौजूद हूँ वहाँ पे तकरीबन 500 से 600 जानवर जो हैं वो उतर चुके हैं। और अभी भी जो है उस साइड पे अगर देखें, ट्रक से 2 ट्रक खड़े हैं, यहाँ से जो है अनलोडिंग हो रही है। तो ये वो जानवर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं पिछले 2 दिन में, और इनकी नस्लों का तो मुझे नहीं पता कि किस नस्ल के हैं और किस शहर से हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कोई व्यापारी नहीं है। व्यापारी अनलोडिंग में लगे हुए हैं, बट देखने में तमाम ही जानवर जो हैं बेहद खूबसूरत हैं। यहाँ पे फोटो सेशन भी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो ये देखें, एक सिब्बी नस्ल का जानवर, इंतहाई खूबसूरत, ऊंचे कद का और थोड़े गुस्से में मालूम हो रहा है। तो जो लोग यहाँ पर मंडी आना चाहते हैं उनके लिए मैं SOPs बता सकता हूँ, जो मवेशी मंडी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो SOPs सेट किए हैं वो ये हैं कि यहाँ पे जो भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए मास्क पहनना जो है वो मैंडेटरी है, लाजमी है। मास्क का इस्तेमाल जो है बिल्कुल लाजमी यहाँ पे करार दिया गया है। इसके अलावा 15 साल से कम उम्र और 50 साल से ज़ायद उम्र, इन दो उम्र के, मतलब 15 साल से कम उम्र के बच्चों और 50 साल से ज़ायद उम्र के जो ज़ईफ़ या बुज़ुर्ग या बड़े जो लोग हैं उनका दाखिला मंडी में ममनू है, सख्ती से ममनू है। और इसके अलावा मास्क पहनना मैंडेटरी है। तो अभी तो चूँकि 2 ही दिन हुए हैं तो इसका अंदाज़ा इतना नहीं किया जा सकता, बट अभी जब से हम लोग आए यहाँ पे तकरीबन 1 घंटे से मंडी में मौजूद हैं हम लोग, और यहाँ पे जितने भी तकरीबन लोग हैं तो उसमें से 80-90% लोग जो हैं वो मास्क पहने हुए हैं। तो ये काफ़ी खुशाइंद बात है, बट आने वाले वक्त में पता लग गया है कि यहाँ पे किस हद तक SOPs फॉलो करवाए जा रहे हैं या किए जा रहे हैं। ये वो जानवर हैं जो अभी अभी यहाँ से उतरे हैं ये ब्लू ट्रक में। इनके मैंने रेट्स तो नहीं पूछे, बट मैं भी आगे गया था तो मैंने जानवरों के रेट्स यहाँ पे पूछे हैं। और 2 दांत का की बछिया और उसका अगर वज़न 6-7-8 मन है तो वो उसके 2 लाख 2.5 लाख 2.75 लाख यहाँ पे जो है डिमांड की जा रही है। अभी क्योंकि शुरू का वक्त है तो डिमांड अभी ज़्यादा है, और क्योंकि व्यापारी को ये पता होता है कि अभी तो हमारे पास टाइम है, तकरीबन महीने से ऊपर टाइम है, तो उनका जानवर जो है वो बिक जाएगा। तो वो अभी फ़िलहाल इनिशियल टाइम्स में जो है वो रेट ज़्यादा ही बताते हैं। अभी मैं आपको दूसरी साइड लेके चलता हूँ, मतलब एक ही ब्लॉक है ये जहाँ जिस ब्लॉक में भी जानवर आए हैं, तो वहाँ पे जो जानवर अभी पिछले 2 दिन में उतरे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जानवर हैं जो पिछले कल और परसों यहाँ पे अनलोड हुए हैं। अभी मैंने इनके रेट्स पूछे थे तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने किन जानवरों के रेट्स पूछे थे। यहाँ मुझे बच्चे भी बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहा है कि यहाँ पे बच्चों का दाखिला जो 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, बट अभी मैंने देखा यहाँ पे कि कुछ बच्चे ज़रूर मौजूद हैं, बट आने वाले वक्तों में, दिनों में पता लगेगा कि किस हद तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो SOPs को फॉलो कराने में कामयाब होती है। अभी एक खुशाइन बात यह है कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उसमें से तकरीबन 80-90% लोग एटलीस्ट मास्क ज़रूर पहने हुए हैं,
वैसे तो मंडी में जो आते हैं अमूमन दूसरे पिछले सालों में जब आते थे तो मास्क पहन लेते थे, बट अभी ज़्यादा तादाद में अक्सरियत में जो है लोगों ने मास्क पहने हैं और मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये थी अब तक की सूरत हाल सोहरागपुर मछली मंडी की। और अगर हाँ अब पर आप चाहते हैं कि आपकी कार यहाँ पे अंदर आए या आपकी बाइक अंदर आती तो उसके लिए भी प्रोसीजर उन्होंने बताया है कि अगर कार का स्टिकर बनाना है पूरे महीने के लिए तो 5,000 रुपये उसकी फ़ीस है। उसके अलावा अगर आपने बाइक का स्टिकर बनाना है जो जिससे आपको अंदर बाइक लाने में आसानी होगी तो वो 3,000 रुपये का है। अगर आप पास नहीं बनाते तो आपको बिल्कुल बाहर जो है वहाँ मंडी में पार्क करनी पड़ेगी अपनी कार या बाइक, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पैदल आना पड़ेगा। व्यापारी शायद यहाँ पे सारे गायब हैं, समझ में आ रहा है, या ट्रक उतारने गए हैं वो लोग भी, तो किसी भी जानवर का मुझे व्यापारी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा जिससे मैं यहाँ पे रेट लूँ। देखें छोटी नस्ल की बचिया है, बट क्योंकि यहाँ पे व्यापारी मौजूद नहीं है तो मैं किससे रेट लूँ। तो ये थी मुख्तर सी सूरत हाल इस मवेशी मंडी की। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपको अपडेट देते रहें। थैंक यू काशी को फॉलो करते रहें, अपना ख्याल रखिएगा, और मंडी आ रहे हैं तो ये बात याद रखिएगा 15 साल से कम उम्र और 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद का दाखिला ममनू है और मास्क पहनना मैंडेटरी है। तो इन SOPs को ज़रूर फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। सही है, थैंक यू काशी को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।